अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज क्या बोलता है? प्रॉपर्टीज बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। मतलब कहता क्या है, अगर दो फंक्शन एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो उसको हम प्लस या माइनस पे ब्रेक कर सकते, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं, ये बोलता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास e के पावर x प्लस साइन x dx, दो फंक्शन है एडिशन में है, तो हम क्या करेंगे इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे, e के पावर x dx प्लस साइन x dx। e के पावर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? e के पावर x होता है। साइन x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? माइनस कॉस x होता है, प्लस c आ जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स विल बी के कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ये कोई भी कॉन्स्टेंट रहेगा वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए करिए, फोर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फोर कौन है? कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्या होगा? इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स, तो क्या आ जाएगा? फोर टेन एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। देखिए अगर हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स एफ एक्स प्लस सी आ रहा है, अगर हम जानते हैं जी एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स है, देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स विल बी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। क्या हुआ? बोला ये है, अगर जी का इंटीग्रेशन एफ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आज एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी लिनियर रख दिया गया, तो क्या आ जाएगा? जी का तो एफ है तो एफ ही होगा। अब ये जो लिनियर में जो रखा गया ए एक्स प्लस बी वो पूरा रहेगा, और एक्स का जो भी कोफिशियंट होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। ये कहां से आया इसको देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। क्या बोला गया? जी का इंटीग्रेशन एफ है, ठीक है, जी का इंटीग्रेशन क्या है? एफ है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, जी का इंटीग्रेशन एफ है तो एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जी होगा। तो देखिए अगर हम एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? जी मिलेगा, और ए एक्स प्लस बी को करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटू ए हो जाएगा। अब ए को हम इधर क्या कर देते हैं? डिवाइड में लाते हैं, डिवाइड में लाएंगे तो क्या आ जाएगा? डी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी होता है जो कॉन्स्टेंट को अंदर बाहर कर सकते हैं तो अंदर भी, तो यहां से क्या किए ए और ये डी एक्स, और इधर कितना बचा? जी ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो देखिए क्या बोला गया, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो जिस दिन हम अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये मिलेगा, यही तो प्रूफ। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा,
वही तो बोला गया, इसका इंटीग्रेशन यही तो आया। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये मेथड वन है इस प्रूफ का, मेथड वन। मेथड टू देखिए, एम टू मेथड टू। मेथड टू क्या करेंगे देखिए, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहां पे क्या है डी एक्स, तो डी के अंदर में हम लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी लिख दिए। तो देखिए क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, अंदर में जो लिखा गया है उसका डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स। तो देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए जो आया वो तो एक्स्ट्रा आ गया, तो ए से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब बताइए जी का इंटीग्रेशन क्या आता है, एफ आई, और दोनों जगह आर्गुमेंट क्या है सेम है, तो जी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, और नीचे कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, ए प्लस सी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसी पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए साइन टू एक्स प्लस थ्री, साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, कॉस होता है, माइनस कॉस। और आज कौन बैठा है 2x, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 लिखेंगे, और होल डिवाइड x का कोफिशियंट 2 प्लस सी। वैसे ही देखिए e के पावर 3x प्लस 5, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, तो जो है वही यहाँ पे dx लिखेंगे।